सलाम वालेकुम। आज सुबह जो ये कार्रवाई हुई, इसका हमें हमारी नई अभी निर्वाचित सांसद महोदय, इनको, पूरे इलाके को, सबको बहुत दुख है। वो दुख इसलिए है, ये जो कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, नियम के विरुद्ध और तानाशाही दिखाने के लिए हम पे हुई है। अगर मकान के बनने में कोई कमी थी, उसका तरीका है, नोटिस दिया गया 5 तारीख को कि 10 तारीख तक खाली कर दें, उससे पहले नोटिस कोई जवाब तक नहीं आया, नाम से कागज मांगे गए, नहीं तो हो सकता है हम लोग कागज भी देते, कुछ और भी देते। इनका सीधा सीधा रवैया है बीजेपी वालों का, इस देश के अंदर जो उन्हें वोट ना दे उसे परेशान किया जाए, दोगला व्यवहार किया जाए उसके साथ। और अभी अभी हम सब ने लोकसभा चुनाव लड़ा और यहां से कांग्रेस पार्टी बहन संजय यादव के रूप में विजय हुई, तो इनके और बिरस लगी और अभी बोल रहा है बहाना लू। लेकिन हमें अब मिलजुल कर कानूनी रूप से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज ये 4 टूटी है, कल वहां 10 टूटेंगी, परसों वहां टूटेंगी। और आज भी मेरी राजभवन से बात हुई थी, मैं तो जयपुर में सुबह आऊंगा लेट हो जाऊंगा, क्योंकि पूरा गांव, जितने आदमी यहां खड़े हैं ना, अगर इतने आदमी होते तो उनकी हिम्मत नहीं तोड़ दे वो। हमें ये करना पड़ेगा आज, भाई क्योंकि आज इस भाई का नंबर है, कल तुम्हारा आएगा। ये दहशत बिठाना चाहते हैं, अपनी कमजोरी छिपाना चाहते हैं। ये सरकार 6 महीने हो गए, 6 रुपए का काम निकला नगर के अंदर। तो भाइयों दोस्तों, हम सबको मिलकर इसका सामना करना है और तैयार रहना है, चाहे कलेक्टर का घेराव करना पड़े, चाहे एसपी का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े। ऐसे ये लोग मानने वाले नहीं है, सरकार इनके हाथ में, पुलिस इनके हाथ में, कलम इनके हाथ में, कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी तोड़ेंगे। लेकिन आदमी और जो जनता होती है उसकी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और हम नू जाना है कि भाई ठीक है, आज रसी तो झूठ गो, का फर्क पड़ रहा है, तो कल नंबर मेरे ही आएगा। कल हमने सुबह अपने घर मीटिंग बुलाई है इलाके के जिम्मेदार लोगों की, परसों मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं नगर के अंदर, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे जिले के हैं, हमें गर्व होता है भरतपुर के हैं। पर क्या इतनी घटिया राजनीति करेंगे वो? क्या नगर प्रशासन को इतनी घटिया हरकत करने के लिए छोड़ रखा है उन्होंने? क्या हम लोग भरतपुरवासी नहीं है? इन सब का जवाब लिया जाएगा। कल एक मीटिंग सिकरी में भी होगी, रणनीति तय करेंगे। और चाहे परसों हमें मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, वो आ रहे सुंदरावली के अंदर, हमारे जिले के अंदर, आप सबको सूचना मिल जाएगी। आप सब तैयार हो भाई, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जो आज हमारे पास में अगर मान लो पद की ताकत नहीं है, तो जनता की ताकत तो है और जनता का हालात भी झुकता है। हम अपने अधिकारों से लड़ रहे हैं, हमें किसी से नहीं चाहिए। और ये भेदभाव क्यों? अरे नीरव मोदी भाग गया, तुम्हारा बाप विजय माल्या भाग गया, उसके घर कोई गया आज तक? और हम पे आरोप लगा दिया, अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। पुलिस किसको पकड़ सकती है? उनके खिलाफ, रशीद भाई के खिलाफ आप तक एक भी मुकदमा नहीं है। 50-70 साल के बुजुर्ग आदमी है, बेचारे का फोन चला नहीं आता, दाढ़ी वाला 4 महीने की जमात में से होकर आया है। ये जुल्म हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सब भाइयों से गुजारिश है कि हम लोग फिलहाल एक रहे, आपस में टीका टिप्पणी मत करें। सांसद महोदय को जैसे पता चला, उन्होंने मुझे बताया आज मैं मेरा नगर का प्रोग्राम में मीटिंग में, तो कि भाई ऐसे ये घटना भी हुई है, ये आपको शुक्रिया अदा करना आना चाह रहे थे इलाके के अंदर। हमने आपका शुक्रिया ले लिया बहन जी, और हम आपसे इसीलिए आपसे उम्मीद करते हैं, इसीलिए इन इलाके वालों ने जानदार तक से वोट भी आपको दी थी। हम चाहते हैं हमारी आवाज उठे, हमारे साथ भेदभाव मत हो, हमें कुछ नहीं चाहिए सरकारों से। हम इस इलाके में पुलिस पाबंद होगी और इस तरह घटना दोबारा ना हो सके। लेकिन अगर हम लोग कानून का सहारा नहीं लेंगे, तो ना मैं कुछ कर पाऊंगा, ना कोई और कुछ कर पाऊंगा। हम सबको लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। भाई ये तो बहाने हैं, ये जगह ऐसी है, वैसी है, यहाँ की है, वहाँ की है, गांव में जगह ऐसी होती है।
ये ऐसे घटिया लोग सत्ता में आ गए जो जाति और धर्म और को भेदभाव करके ये काम करते हैं। आप लोग सतर्क रहे, कौम में कुछ दलाल भी ढोल रहे होंगे पैसे दिलाने के लिए, यहाँ करने के लिए, किसी चक्कर में बताएं। अपनी लड़ाई सिर्फ कानूनी है, हम लोग कोर्ट से कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ जो लोग जो इस तरह के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहकाने वाले हैं आप लोगों को। तो भाई कानूनी लड़ाई लड़नी है। जिन जिन लोगों को कोई नोटिस मिला है या जिन जिन लोगों को कोई गिरफ्तार हुए उन सबके परिवार वाले लोग जो है मिलकर PIL दाखिल करेंगे हाईकोर्ट के अंदर। और ये जो कार्रवाई हुई है इसके खिलाफ कल तहसीलदार, पुलिस और SDM इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। बिना वक्त दिए, बिना मौका दिए पक्के मकान आप नहीं तोड़ सकते। होता तो बेदखली की कार्रवाई करते हैं वो लोग, बेदखली कार्रवाई करते हैं सरकारी जगह थी तो। लेकिन इन्होंने कोई नियम नहीं माना। आप बेफिक्र रहे, आपके माध्यम से कह रहा हूं मैं, यहां लोग बैठे हैं, इस तहसीलदार की नौकरी खा जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मुझे आप लोगों का साथ चाहिए कानूनी रूप से और आदमी रूप से भी, तो और कोई जो किसी को भी ऐसे नोटिस आए हो आप मुझसे संपर्क करें। किसी को भी किस तरह की बात हो आप मुझसे संपर्क करें। आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। हो सकता है पद ना हो लेकिन ये जो पब्लिक की ताकत है ये बहुत बड़ी ताकत है। सबसे पहले सारे तख्त और ताज उतर गए। तो मैं बहन जी आपसे भी गुजारिश करता हूं, आप भी दो शब्द कहे। हमारी संजना जाटव जी, सबको नमस्कार। आज मैं आपके बीच में आई हूँ। अभी 3 बजे पहले मैंने मीटिंग के दौरान मैंने ये सूचना सुनी और मैं वहां से सीधा मैं आपके बीच में आई हूँ। मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा कि उन्होंने ये गलत किया है। वकील के नाम है सारी चीजें बुझाती हूँ और परखती हूँ क्या है क्या नहीं है। वो गलत किया है उन्होंने और मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी और ये मुद्दा अपने कलेक्टर साहब हो, SP साहब हो, सभी के सामने उठाऊंगी और एक आवाज रखिए, आपके सामने न्याय होगा। और एक दो दिन में नहीं, कल ही बात करूंगी। अभी यहाँ पे जाने का ये जो मकान तोड़ने का है आज इनका तोड़ा है, कल आपका तोड़ेंगे। इस बात समझना, कल आज इनका तोड़ा है, कल आपका। तो आपको एक जुटना रहना है। मैं आपके साथ हमेशा ऐसे खड़ी हूँ, जैसे मुझे आप कभी भी याद करोगे हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। और कल ही 2-3 दिन में न्याय हो और उन्होंने कार्रवाई गलत कार्रवाई की है उन्होंने और उनके पास मुकदमा भी दर्ज होगा। ये तो समाधान होगा, 1-2 दिन में होगा और जल्दी होगा। आप निश्चिंत रहो। आप तो कोई भी चीज हो मुझे बताना, मैं बैठी हूँ, MLA साहब बैठे हैं, दोनों हम सब मिलके सार कानून के हैं। कानून आपसे बड़ा नहीं है, कानून आपसे बड़ा नहीं है। अगर आप एकजुट होना तो कानून की कितनी वो है जो आपको वो कर जाए। सबसे बड़ी ताकत तो आप हो और आपके पीछे मैं हूँ। तो मेरा और आपका सबसे दिल का रिश्ता है और वो सारी आवाज बन के मैं कल उठाऊंगी। और आप देखना चुप रहे, किसी भी हर व्यक्ति के लिए नहीं किया जाएगा। ये गलत है, गलत है, गलत है। मैं आपके साथ हमेशा ऐसे खड़ी रहूंगी जैसा सही का साथ, क्योंकि मैंने LLB कर रखी है, मुझे सारी चीजों का ज्ञान है। और आपके लिए विश्वास से जब मैंने सुना मैं फोन करूंगी, ये तो नोटिस भेजूंगी, सारी चीजों को करूंगी। देखो अगर कोई आदमी गलती करता है तो कानून उसको सजा मिलेगी। इसका हम लोग गलत करने का या कोई गुनाह करने का या क्राइम करने का सपोर्टर नहीं है। वो खुद जिम्मेदार है, उसे नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी, सब लोग अहद लो, आपके अड़ोस में पड़ोस में कोई भी आदमी गलत काम करता है उसका आप रोकिए, क्योंकि इससे पूरा इलाका पूरी कौम बदनाम हो रही है। लेकिन इन 1-2 आदमियों के आड़ के अंदर जो पूरे समाज से भेदभाव हो रहा है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी लड़ाई हम और आप मिलकर लड़ेंगे। और जिसको ऐसा लगता है कि उसका झूठे नाम फंसाया जा रहा है या फंसाया जा सकता है, वो सब लोग मिलकर एडवांस में मुकदमा दायर कर सकते हैं हाईकोर्ट के अंदर कि हमें अंदेशा है भेदभाव तरीके से हमें फंसाया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इंतजार करते रहेंगे तो ये लोग जालिम हैं, ये जानबूझ के परेशान करना चाह रहे हैं। तो भाई हम लोग मिलकर कानून की राय लें, अच्छी लीग राय हम भी ले रहे हैं, हम भी संपर्क करें और लोगों से संपर्क करें, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और जिन लोगों ने यहाँ पंजा चलाया है उनका इलाज करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ साहब। बहुत शुक्रिया।